इंसानों की हत्या या मर्डर, इंसानियत का मर्डर या हत्या, ये कोई नई बात नहीं है। भिवंडी शहर पुलिस कंट्रोल रूम है मेरे पीछे और आज नारपोली पुलिस स्टेशन की हद में एक मर्डर का केस नारपोली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हल किया है। इस घटना में एक मोती जिसे बनाई जाती है उसका जो रॉ मटेरियल है उसके यहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति जिसके पास 12.5 लाख रुपया था, जिसका नाम था विजय नारायण तिवारी। तिवारी की उम्र 37 साल थी और अपने मालिक के यहाँ काम करता था ये बंदा और थाने का रहने वाला। इसके दो दोस्तों ने 12.5 लाख रुपये वसूलने के चक्कर में इसकी हत्या कर दी और 12.5 लाख कुछ रुपया लेकर फरार हो गए। नारपोली पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले को जब गहनता से जांच की तो एक आरोपी जो बनारस का है पुलिस ने पकड़ा है और जौनपुर का जो आरोपी है वो अभी तक फरार है। और थोड़ी देर पहले भिवंडी पुलिस कंट्रोल रूम में उस आरोपी को भिवंडी पुलिस उपायुक्त के सामने पेश किया गया। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन आसिफ अंसारी के साथ खान पकड़ालम शक्ति समाचार के लिए। 9 मार्च को है सर, कर रही थी। इस तपास के दरमियान हमको मुलुंड पुलिस स्टेशन में एक प्रसाद तिवारी नाम के व्यक्ति का मिसिंग होने का पता चला, जिसका जो हुलिया था वो हमारी जो डेड बॉडी मिली थी उससे मैच होता था। उसके बाद जब आगे हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि प्रसाद तिवारी के पास उस दिन उसके मालिक जहाँ वो काम करता था उसके लिए कलेक्ट किए हुए कुछ पैसे थे, लगभग 12.5 लाख रुपये उसके पास थे। और इन्हीं पैसों के लिए उसके ही दो मित्र सुनील और दिनेश, ये दो लोगों ने, उसके ही दोनों मित्रों ने उसका गला दबाकर पहले हत्या की और उसके बाद उसका जो मृतदेह था उसको बोरी में भर के एक टेम्पो में डाल के उसको खाड़ी में से ब्रिज पर से खाड़ी में फेंक दिया था। दोनों में से एक आरोपी दिनेश उसको हम पकड़ पाए हैं और जो दूसरा आरोपी है उसको पकड़ने के लिए भी हमने अलग अलग टीमें भेज दी थी। सर, कितने पैसों के लिए उन्होंने? लगभग 12.5 लाख रुपए उसके पास थे ऐसा उसके मालिक का कहना है। अभी आगे हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन हमने एक आरोपी को पकड़ा है उसके पास से कुछ हम जब्त करेंगे और जो पैसा दूसरे आरोपी के पास अगर कुछ होगा तो उसके पास से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब्त करें। सर, सुनील और दिनेश का पीछे का बैकग्राउंड कुछ आपका दिख रहा होगा? जैसे मैंने कहा आपको कि कल ही हमने पकड़ा है दिनेश को, तो उसका बाकी आपराधिक बैकग्राउंड और किसी पुलिस स्टेशन में होगा तो हमको पता चलेगा। और दूसरा आरोपी तो अभी फरार ही है तो उनका आपराधिक पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में आने वाले 2-3 दिनों में ही स्पष्ट हो पाए। सर, दोनों एक साथ में रहते थे क्या? कैसी पहचान हुई थी उसकी, जानकारी मिली और इनको कितने दिन? एक बार में मुलुंड में जवाहर टॉकीज के एरिया में ये लोग दोनों रहते थे और वहीं पर जो मृतक है प्रसाद उसका अक्सर आना जाना था क्योंकि वहाँ से वो व्यापारियों से पेमेंट इकट्ठा करता था अपने मालिक के लिए, तो उसी दौरान इनकी लगभग 4-5 सालों से तीनों की दोस्ती थी। सर, इस आरोपी को कहाँ से घर में पहुँचा? आरोपी को हमने जब तपास किया तो पता चला कि आरोपी बनारस उसका जो होम टाउन है वहाँ चला गया था और वहाँ से उसको वापस लौट रहा था। लौटने के दरमियान बीच में हमने उसको आरोपी तक कैसे पहुँचे? जब हमको पता चला कि मृतक कौन है तो उसके बाद उस मृतक को लास्ट कहाँ देखा गया और किन किन से उसकी दोस्ती थी और कुछ टेक्निकल इनपुट्स, इन सब चीज़ों को मिला के हमने जिन लोगों पे शक हुआ दोनों पे, वो दोनों ही हाजिर नहीं थे तो शक और बढ़ा। उसके बाद फिर आगे ये तपास जब किया तो स्पष्ट हुआ कि सर आरोपी जो लौट रहा था किस ट्रेन से लौट रहा था, किस स्टेशन के बीच आपने उनको पकड़ा? ये डिटेल्स हम आपको डिटेल प्रेस नोट हम देंगे, उसमें आपको ये डिटेल्स सारी मिल जाएंगी और ट्रेन का नंबर और ये सब चीज़ें डिटेल में आपको प्रेस नोट में। सर, दूसरा आरोपी भी बनारस का है? नहीं, एक आरोपी बनारस का है, एक जौनपुर का।